नमस्कार दोस्तों, आप सबको कहीं चिकू टेक में स्वागत है जी। दोस्तों आज मैं लाया हूँ एक कमा के एक नया अनबॉक्सिंग। आज मैं अनबॉक्स करने वाला ये कीबोर्ड रेड ड्रैगन का और ये माउस मैफटेक का। और ये रेड ड्रैगन का बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर लोगो बनाया गया। मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, आपने देख लिया। ओके अब मैं दिखाने वाला हूँ, इसे ओपन करके दिखाने वाला हूँ मेरा नया अनबॉक्सिंग। पर इस कीबोर्ड और एक कमाल का माउस को अनबॉक्स करने से पहले, और अभी तक हमारे किंचिको टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और खास करके उस नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। अब बिना वक्त गए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं किंचिको टेक। ओके अब मैं इसे खोलता हूँ। ओके अब मैं इसे खोलने वाला हूँ। पहले कीबोर्ड का बाय करूँगा, नहीं खैर छोड़ा, पहले माउस का करने वाला हूँ। माउस को अनबॉक्स कर दे दो। ओके दोस्तों ये आ गया उसका बॉक्स, मैंने ऊपर का कवर खोल दिया है। अब मैं इस बॉक्स को ओपन करने वाला हूँ और ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा माउस, गेमिंग का माउस। इसे मैं अब खोलता हूँ। ये चीज गेमिंग के लिए मैंने इसे लिया है। ये जैसे हम डालेंगे, ये शायद रेड कलर का आता है कंप्यूटर में, हम जैसे ही डालेंगे इसे, मुझे पता है इसे इसमें बाद में खोल लेता हूँ टैग को। अब ये कुछ जैसे कुछ पेपर है, शायद ये मैनुअल है। हाँ ये मैं मैनुअल पेपर है, मैं इसे साइड में रख देता हूँ। और अब बारी आती है, हमारा एक कमाल का कीबोर्ड का। ओके इसे भी ओपन कर लें। ओके मैंने अभी से खोल लिया है एक तरफ से, इसे ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है ओपन करने के बाद इसे बाहर खींच लेता हूँ। क्या कहते हैं इसे कवर से, स्पॉन्ज से भी इसे कवर किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसे भी सेम टाइप ऑफ वेयर है, यहाँ पर एक टैग दिया गया है। इसे बाद में ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इस कवर को खोल लेता हूँ। यहाँ पर एक स्पॉन्ज वाला स्टीव सीट तो दिया गया है, इसे इस पर साइड में रख देता हूँ और इस कवर को खोल लेता हूँ। अब मैं इसमें कुछ बुक भी दिया गया है, शायद ये मैनुअल है, देखते हैं दोस्तों। इसमें इस सारे चीज़ों को साइड में रख देता हूँ मैं। ये कीबोर्ड एक्चुअली रेड ड्रैगन का है, रेड ड्रैगन का कंपनी का। और यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल है और यहाँ पर एक शायद वारंटी कार्ड दिया गया है, मैं सोचता हूँ। ये यूज़र मैनुअल है, ये कौन सा लैंग्वेज में लिखा है यार, चाइनीज लैंग्वेज में नहीं लिखा है दोस्तों, इंग्लिश में लिखा है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। और ये है हमारा कमाल का कीबोर्ड। और ये है हमारा एक कमाल का कीबोर्ड। एक्चुअली ये एक ऐसा बनाया गया है कि ये एक ऑलमोस्ट एक लैपटॉप का है, क्योंकि यहाँ पर FN का की भी दिया गया है इसीलिए। ओके ये टोटल कुल मिला के मुझे 1600 लगे थे। इसका मतलब कि इस माउस और इस कीबोर्ड को दोनों को मिला के मुझे 1600 लगे थे। इसका मतलब है इंग्लिश में 1600 लगे थे मुझे। फिर भी दोस्तों इसे मैं ये आपको कंप्यूटर में लगा के दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं इसे मेरा कंप्यूटर में लगा दिया। आप देख सकते हैं आप कितना कलरफुल लाइट्स आता है इस कीबोर्ड में, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंपनी है और आप इसे खरीद सकते हैं अमेज़ॉन पे। ये है हमारा कीबोर्ड और इधर है हमारा माउस। इस माउस में हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक बटन है, इसके ऊपर एक बटन है, जैसे आप इस पर प्रेस करोगे
तब यहाँ पर कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कोई भी कलर रख सकते हैं, मुझे रेड पसंद है, इसे रेड रखता हूँ। कैमरा में एक ऑरेंज दिखता है पर ये सच में रेड है, और ये थोड़ी देर का बाद ब्लिंक भी होता है। और यहाँ पर एक बटन है यहाँ पर, और यहाँ पर बटन्स हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। और इससे एक चीज कीबोर्ड टाइप दूसरा तरह का है, अब दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विन की है, ये विंडोज़ का की है, यहाँ पर एफ फंक्शन का की है। क्या भाई ज़रा टंगा तो यहाँ पर फंक्शन का की है। ये सब कुछ एक से लैपटॉप का जैसा ऐसे ही होता है। एक चीज इस माउस में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक थोड़ा भी आवाज़ नहीं आता है, तो ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इसे ख़रीदने के लिए। और ये मेरा कंप्यूटर विंडोज 7 अल्टीमेट एडिशन। एक जो मेरा स्पीकर है जो बीच में आ चुका है, हैशटैग नो प्रमोट फॉर दिस स्पीकर। ओके, यहाँ पर मेरा कंप्यूटर है, और ये है हम मेरा नया कीबोर्ड, और ये बहुत ही अच्छा है। मैं फिर से कहता हूँ, आपको ख़रीदना चाहते हो तो प्लीज़ खरीद सकते हैं। मैं दोनों का भी लिंक डिस्क्रिप्शन है। ये दोनों सेपरेट करना होगा, ये माउस और ये कीबोर्ड। और अब इस वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, खास करके नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए। तो अलविदा दोस्तों, अगले वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर एंड गुड बाय।